सूक्ष्म मृदु विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लॉकडाउन की व्यवस्था चल रही है। लोगों का आना जाना मुश्किल है। ऐसे में क्या हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, बल्कि मैं तो यह कहूँगा, ये जो व्यवस्था चल रही है, इस साधनाओं के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे शिविरों की व्यवस्था होती थी या आप हमारे पास आकर के यहाँ पर किसी साधना की दीक्षा वगैरह लिया करते थे, इस समय आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, परंतु ये बात निश्चित रूप से सही है और मैंने परीक्षण करके देखा। आपको बताता चलूं कि बहुत सारे हमारे शिष्य हैं विदेशों में रहते हैं, जो ना तो भारत आ सकते हैं और अगर आते भी हैं तो काफ़ी खर्च हो जाता है। तथापि वह लोग गुरु पूर्णिमा पर तो आते ही हैं। जो नहीं आ पाते वह लोग अपने घर में बैठ करके इस आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने वीडियो कॉलिंग के जरिए और कुछ मामलों में कॉलिंग के जरिए भी दीक्षा प्राप्त करते रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जितना प्रत्यक्ष सामने आकर के दीक्षा लेने में आपको लाभ होता है, उतना ही लाभ दूरस्थ पद्धति से भी होता है। आपका मेरे सामने होना आवश्यक है और यह जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही हो। आप हमारे पास अगर आते हैं तब भी आप कम से कम 1 मीटर दूर हमसे बैठते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर तो आप हमसे 0.5 मीटर दूर ही बैठते हैं। मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके आप पर शक्तिपात कर सकता हूँ और उसके माध्यम से वह लाभ आपको प्रदान किया जा सकता है जो आप चाहते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि विदेश में बसे लोगों ने दीक्षा प्राप्त की और वह शक्तिपात पूर्णतया सफल हुआ। तत्पश्चात उन्होंने पूरे विधि विधान से साधना की और साधना करके अपनी उस मनोकामना को पूर्ण किया जो कि वह पूर्ण करना चाहते थे। लगभग 1 महीने पहले ही अभी एक महिला थी प्रयागराज में, उनको फोन के माध्यम से ही हमने शक्तिपात किया और उन्होंने अपना पूर्व जन्म भी देखा। पूर्व जन्म में जा करके उन्होंने अपना पूर्व जन्म का नाम, पूर्व जन्म की कुछ बातें, इतिहास इत्यादि बताएं और जैसा वह लाभ चाहती थी वैसा ही 100% लाभ उनको प्राप्त हुआ।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष दीक्षा लेने आता था, काफी दूर दूर से लोग आते थे, कोई कोलकाता से आ रहा है, तो कोई मुंबई से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई और बाहर से आ रहा है। तो समस्या ये होती है कि आने जाने में भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को भाई यात्रा करेंगे तो कष्ट तो मिलेगा ही, और वर्तमान में आप यात्रा नहीं कर सकते लॉकडाउन की वजह से। और आप अगर लॉकडाउन खुलने के बाद भी या कैसे भी आप हमारे पास आ भी जाते हैं, तो आपको बताता चलूं कि जो महामारी चल रही है, उस महामारी के चलते ज़्यादा मेल जोल अच्छा नहीं है। आप अगर मेरे पास आ भी जाते हैं तो आप मुझसे दूर बैठेंगे, आप अगर पैर भी छूना चाहेंगे वह भी हम नहीं करने देंगे। तो ऐसा आप आकर के भी क्या करेंगे? आप के मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। आप जैसे सामने प्रणाम करते हैं, वो अगर आप दूर से भी हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं तो भी वो स्वीकार्य होगा। और ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, भले ही वीडियो के माध्यम से हूँ, वीडियो कॉल के माध्यम से हूँ, तो आपको दीक्षा मिल सकती है। और चूंकि डाकघर और कोरियर खुल गए हैं, दीक्षोपरांत आपको वो यंत्र सामग्री आदि जो भी है आपके घर के पते पर भेज दी जाती है, और डाकिया आपको आकर के दे जाएगा। जैसे कि हम लोग साधना काल में बरतते हैं कि किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी को छूना नहीं है अवांछित, और किसी के यहाँ जाना नहीं है, इत्यादि कुछ वर्जनाएं होती हैं, उन वर्जनाओं का आप इस लॉकडाउन में भी पालन कर सकते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि अपने आप पालन हो जाएगा। और समय भी आपको अपेक्षाकृत ज्यादा मिल रहा है घर में रहने का, तो आप विधिवत साधना कर सकते हैं और एकाग्रता के साथ साधना करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। मैं तो यही कहूँगा कि आप इस समय का सदुपयोग करें और किसी भी साधना के लिए आप उद्यत हों और उस साधना को पूर्ण करें। जब गुरु की अनुमति होती है, साधनाएं सफल होती ही है। गुरु पूर्ण मनोयोग से अगर दीक्षा प्रदान करता है तो वह साधना सफल होती ही है। इसको आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। दीक्षा का वीडियो भी बना करके दिया जा सकता है, परंतु वह मैं इसलिए नहीं करता हूं, उस वीडियो को दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए मैं वीडियो द्वारा साधना या उसकी दीक्षा नहीं देता। हाँ, वीडियो कॉलिंग के द्वारा
पर्सनल आपसे मिलता हूँ और पर्सनल आपको आपकी मनोवांछित दीक्षा प्रदान करता हूँ। तो इस समय का लाभ उठाएं और अपने जीवन की रुकावटों को दूर करें, अपने जीवन की कठिनाई को दूर करें और मनोवांछित सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।